झारखंड के पांच परगना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस क्रम में पांच परगना क्षेत्र के हुकूचरा स्थित शिवलिंग स्थल पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंगलवार सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगने लगी। आपको बता दें, हुकूचरा शिवलिंग स्थल पांच परगना क्षेत्र के बामलाडी गाँव में स्थित है। कांची नदी के किनारे एक विशाल सखुआ ब्रिज के नीचे प्राचीन शिवलिंग स्थित है। हर साल यहां महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोग कांची नदी से जल लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हुकूचरा स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए बामलाडी गांव के ग्रामीण जुट जाते हैं। 2022 के महाशिवरात्रि के मौके पर बामलाडी गांव के ग्रामीण किस तरीके से इस बार का आयोजन कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, लोगों का मतलब भगवान के प्रति रुझान भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हम लोग भी अपने तरफ से जितना हो सका खीर पूड़ी केला प्रसाद व्यवस्था किए हैं। अच्छा, इस तरह का लोगों का असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस जगह के बारे में बता दीजिए। ये तो बहुत ही पुराना देवस्थल है। ये तो मतलब लगता है कि हजारों साल, 2000 साल पुराना यहाँ पर भोलेनाथ का लिंग है। अच्छा। और बहुत पुराने समय से ही यहाँ पर पूजा होते आ रहा है और हम लोग भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हुकूचरा कहते हैं इस जगह को? हाँ हाँ, ये तो नाम है, हुकूचरा स्थान का नाम है। अच्छा। और हुकूचरा से ही मतलब प्रचलित है। हुकूचरा कहने से आसपास के बहुत गाँव के लोग जान जाते हैं कि कहाँ का बात है। अच्छा, तो ये जो सारे ही गाछ है यहाँ, ये तो बहुत पहले से ही है ये। हाँ हाँ, बहुत पहले से। तो ये गाछ जो है वो मृत पड़ा हुआ है, कैसे क्या हुआ? हाँ हाँ, इसका तो कोई पुराना कारण या फिर उस तरह का कुछ पता नहीं चल पाया किस कारण मरा। जब सूखने लगा धीरे धीरे तब हम लोग को पता चला कि पेड़ तो मरने लगा है। आप लोग जब से देख रहे हैं ऐसा ही है? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। ये दो साल लगभग हो रहा है मरा हुआ इसका, पहले जिंदा था। अच्छा। इसका इस पत्ता का या पूजा वूजा में बहुत प्रयोग कर रहे थे। अच्छा। बहुत लोग जैसे सरहुल में या फिर और भी जो भी पूजा होता है इसी का पत्ता हम लोग प्रयोग करते थे, लेकिन अभी 2 साल से मुरझा गया, मर गया। अच्छा, अच्छा। तो ये आने वाला साल आप लोग इससे बढ़िया व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए करेंगे? हाँ हाँ, इससे ज़्यादा और करेंगे। अभी तो कुछ किए और अभी भी मतलब अच्छी तरह से ही लोगों का पूजा सेवा हो रहा है और अगला साल देखेंगे और भी इससे भी और अच्छा लोगों का सुविधा हो और परेशानी ना हो। लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, जैसे आर्थिक शारीरिक ये सब? सब तरह का सहयोग है, सब तरह का सहयोग मिल रहा है। जो मतलब जिसको जैसा बोल रहे हैं गांव का सब आदमी मिलजुल के और सलाह मशवरा करके किस तरह से हम लोग इसको और अच्छा तरह से लोगों का सेवा दे पाएंगे, लोगों को मतलब सुविधापूर्वक पूजा करवा पाएंगे, इसी तरह से हम लोग सोच विचार करते हुए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा।